तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान तेज हो चला है और सूबे में कमल खिलाने के लिए मोर्चा संभाले हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केसीआर और ओबीसी की पार्टी के साथ कांग्रेस को भी परिवारवादी पार्टी बताया, तो साथ ही ये भी दावा किया कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनी तो मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। గత 10 ఏళ్ల నుంచి 70 80 ఏళ్లలో ఎప్పుడూ లేనంత శాంతంగా ఉన్న తెలంగాణ ముసల్ముడుగోలు వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు, రైతులు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు, ఎవరు దూసిన పని వాడు చేసుకుంటున్నారు। నేను మీకు ఒక మాట మనవి చేస్తున్నా, ఏదైనా ఎంబడబడితే నేను గట్టిగా పడతా। ఇప్పుడు ఏమైంది, వ్యవసాయ రంగం ఎంబడబడడం జర్ర కుదుచబడ్డది, కొద్దిగా ముఖాలు తెల్లబడ్డాయి, కొద్దిగా మూతబారైనాం, గ్రామాలలో కూడా మంచి ఇండ్లు కడుతున్నారు, సంతోషం చాలా। అట్లే వైద్య రంగం వెంబడబడ్డం, ఊర్లల్లో పల్లె దవాఖానా, బస్తీలో బస్తీ దవాఖానా, నియోజకవర్గ కేంద్రంలో 50 పడకలు లేకపోతే 100 పడకల దవాఖానా, హైదరాబాద్లో సూపర్ స్పెషాలిటీ దవాఖానా, ఇది కూడా చాలా వరకు మంచిగా అయింది। ఏక్ బాత్ సున్ లీజియే, ఆప్కో జాబ్ చాహియే, చాహియే నా, తో ఇస్కే లియే ఏక్ కండిషన్ భర్నా పడేగా కి ఆప్ కేసీఆర్ ఆర్ కేటీఆర్ కో ఆప్ జాబ్ अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको सरकार बदलनी पड़ेगी। भ्रष्टाचार में नंबर वन है देश में, इनके सारे भ्रष्टाचार के सौदों की जांच कर उनको, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तेलंगाना में अपनी सरकार बरकरार रखने की खातिर केसीआर कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते। हालांकि कांग्रेस सूबे में सत्ता परिवर्तन चाहती है, लेकिन बीजेपी को बीआरएस नेताओं को जेल भेजने से कम कुछ भी गवारा नहीं। यही वजह है कि अमित शाह तेलंगाना की केसीआर सरकार पर तो हमलावर हैं ही, उनके सहयोगी ओवैसी पर और भी आक्रामक है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी भी सूबे में त्रिकोणीय लड़ाई चाहते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी पहले ही कह चुकी हैं कि चाहे बीजेपी हो, बीआरएस या फिर एआईएमआईएम, तीनों में दांत कटी दोस्ती है। सिर्फ जनता को दिखाने के लिए तीनों खुद को अलग अलग बता रहे हैं। ओवैसी साहब जो है वो तुष्टीकरण करने में से बाज नहीं आते हैं। इनकी चुनाव का चिन्ह कार है, कार कार है ना, मगर कार का स्टीयरिंग ना ओवैसी के ना, कार का स्टीयरिंग ना केसीआर के पास है, ना केटीआर के पास है, ना कविता के पास है। कार का स्टीयरिंग ओवैसी के पास है, ओवैसी के पास। देखिए मोदी जी यहाँ आते हैं, वो कालेश्वरम के घोटाले के बारे में बात नहीं करते, सिंचाई के घोटाले के बारे में बात नहीं करते, शराब के घोटाले के बारे में बात नहीं करते, लेकिन वो कांग्रेस के नेताओं के घर में अपनी बड़ी बड़ी एजेंसी ईडी सीबीआई भेज देते हैं कि जाइए जांच करिए। लेकिन जो घोटाले यहाँ हुए हैं, जिनसे आपके पैसे लूटे गए हैं, उनसे उनके बारे में जांच करने के बारे में उन्होंने कुछ नहीं ना कहा और ना किया। बीजेपी और केसीआर जी मिले हुए हैं, आपको ये बात अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी। बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम साथ साथ नाटू नाटू कर रहे हैं। तेलंगाना विधानसभा की सभी 119 सीटों पर 30 नवंबर को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे और नतीजों की घोषणा बाकी चार और राज्यों के साथ ही 3 दिसंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।